फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम अपने संडे को बहुत ही स्पेशल बनाने जा रहे हैं विद स्पेशल थाली ऑफ छोले एंड भटूरे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम छोले भटूरे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। गाइस हम रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg मैदा ले रखा है। यहीं पर इसमें मिक्स करने के लिए मैंने 2 स्पून बारीक वाली सूजी ले ली है और 1 सैशे ऑफ इनो। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या दही कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इनो इसमें ऐड करूंगी। और इसी के साथ मैंने इस डो को लगाने के लिए लुकमाइन वाटर ले रखा है। डो लगाना शुरू करते हैं। डो लगाने के लिए मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम मैदा ट्रांसफर कर लेते हैं, साथ ही इसमें जाएगा सूजी और ये इनो, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। आटा मड़कर रेडी है, आप देख सकते हैं हमें आटा इतना सॉफ्ट चाहिए। अब हम इसे 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद भटूरे बनाना स्टार्ट करेंगे। छोले बनाने के लिए पहले हम छोले को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम छोले को 5 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था, काफी अच्छे से फूल चुके हैं ये। तो अब हम इस कुकर में सारे छोले डाल देंगे और छोले का डूबने तक उतना पानी इसमें ले लेंगे कि हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से इसमें डूब जाएं। तो 1.5 ग्लास पानी लगा है इसमें और अब हम यहीं पर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, जिससे छोले जो है वो हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। इसमें कोई भी सोडा मैं यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक डाला है थोड़ा सा। अब हम इसे लिड लगाकर 6 से 7 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकने तक बॉयल कर लेंगे। जब तक हमारे छोले बॉयल हो रहे हम मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने ले रखा है 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, वहीं तड़के में जाएगा 1 पिंच हींग, 1/2 स्पून जीरा, 2 लौंग, 4 काली मिर्च के पीसेस और 2 तेज पत्ता। यहीं पे मैंने ले रखा है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। कुछ पिसे मसाले भी हम ऐड करेंगे। तो पिसे मसाले मैंने ले रखा है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1.5 स्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 स्पून गरम मसाला। मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर कट करके ले रखा है और यहीं पर मैंने पेस्ट ले रखा है। इसमें मैंने 1 छोटा प्याज, 4-5 कलियां लहसुन की और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने पीस कर ले लिया है। तो छोले बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये तड़का, साथ में हींग भी डाल देंगे। तड़का अच्छे से तड़क गया है तो अब हम यहीं पे ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को थोड़ा गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और इसे आधे मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे।
प्यूरी को हाफ मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर और साथ ही हम ऐड करेंगे ये सारे मसाले। अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर टमाटर के अच्छे से पकने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से पक गया है और मसाले ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है, टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए छोले। गाइस यहीं पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। गाइस अब यहीं पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्रेंड्स हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही डिलीशियस से लग रहे हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहीं पर हम थोड़े से कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। तो छोला रेडी हो गया है, अब हम भटूरा बनाना शुरू करते हैं। मैंने सारी लोइयां तोड़ ली हैं, अब आपको एक भटूरा बेल कर दिखाती हूँ। गाइस हमारा फर्स्ट भटूरा बेल कर रेडी है, इसी तरह से हम बाकी भटूरे बेल लेते हैं। भटूरे हमने बेल लिए हैं, तो अब भटूरे फ्राई करना शुरू करते हैं। भटूरे फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है पैन में और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम हमारा मीडियम होगा और ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए भटूरे तलने के लिए। तो एक छोटा सा भटूरा डाल के इसमें चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं ये भटूरा अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम भटूरा फ्राई करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे भटूरे भी बनकर रेडी हो गए हैं, अब आपको थाली सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारी छोले भटूरे की प्लेट बनकर तैयार हो गई है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी छोले और रेस्टोरेंट स्टाइल के भटूरे बने हैं। गाइस अगर इस तरह की छोले भटूरे की प्लेट हमें घर में मिले तो रेस्टोरेंट तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी इसी रेसिपी से अपने घर में छोले विद फूले फूले भटूरे बनाएं और अपनी फुल फैमिली के साथ इंजॉय करें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।